संत भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार की 50वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित श्री राम कथा के 5वें दिन जोधपुर से आए कथा व्यास गोवत्स राधा कृष्ण जी महाराज ने कथा प्रसंग के अंतर्गत कहा कि भगवान राम और सीता जी का प्रथम मिलन समर्पण था। हम लोग प्रथम मुलाकात में एक दूसरे की परीक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि काली नाग यमुना में रहता था, उसके अंदर विष था, श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया। हमारे अंदर भी विषय रूपी विष है, हम सत्संग रूपी यमुना में रहें, सत्संग से जुड़े रहें, तभी हमारा कल्याण संभव है। कथा व्यास गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज ने प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान किया। इस दौरान कथा सुनने आए भक्त भी पदावली का रसपान लेते रहे और भगवत कृपा से झूमते रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे, लेकिन जिन्होंने उनको मिलते हुए देखा वो लोग उनमें मिल चुके हैं, अब उनका कोई वो तो है नहीं, बस उनको देख करके जो भाव कहे वो भाव मौजूद है, पर वो तो मौजूद नहीं, भाव के रूप में वो है। लेकिन आज उस मुलाकात की घटना को हजारों हजारों साल बीत चुके हैं, एक युग बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उस घटना को यथा रूप में हम सब फिर से दोहरा रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इस न्याय से वर्तमान समय में तो बोलिए ना, जोर से बोलो ना, गिरिराज जी का भोग था ना। इसलिए वर्तमान समय में तो हम श्रेष्ठ। कीर्तन में जाकर के बैठता हूं और शायद यही कारण है कि भाई जी मुझे बार बार मौका देते हैं यहाँ आने का। और इसीलिए तो महाराज वन के समय में ठाकुर जी सिर्फ अपने बाबा दशरथ जी को याद करते थे। या देखो, जिन जिन का मन आपके पास होगा आपको उन्हीं की याद आएगी, सीधी बात। जिन जिन का मन आपके पास होगा आपको उनकी याद आएगी। तो हमारे सरकार श्री राघवेंद्र सरकार वन के समय में सिर्फ दशरथ जी को या कौशल्या जी को, उन्हीं को याद करते थे, ऐसी बात नहीं है। जो जो अयोध्या के लोगों ने भगवान को अपना मन दिया उन सब को हमारे राम जी याद करते थे, याद करते थे। इसलिए सब अपना मन भगवान को दे रहे। जो जो परालों में तुझ पे न्योछावर, जो जो करालों में तुझ पे न्योछावर, कुछ भी करालों में तुझ पे न्योछावर, कुछ भी लड़ा कर, अरे हार चुका सब अकल लड़ा।